जय जय श्री सीताराम। मानस में गोस्वामी लिखते हैं, अग जग जीव नाग नर देवा, नात सकल जग काल कलेवा। ये संपूर्ण जगत अग जग जीव, चल अचल में जितने जीव हैं, मनुष्य हैं, नाग हैं, देवी देवता हैं, नाथ सकल जग काल कलेवा, ये सब काल के ही ग्रास हैं। कोई भी यहां शेष बचने वाला नहीं है। और देखा जाए तो हम हैं कहां? हम मृत्यु लोक में बैठे हैं। इसका तो नाम ही मृत्यु लोक है। और इस शरीर का धर्म ही है मरना, मरण धर्म। इस शरीर का नाम आता है ग्रंथ में, इस शरीर का धर्म ही है कि इसे मरना है। यहां मृत्यु लोक में कौन रहता है? जो मरने वाले हैं वो रहेंगे, अमर लोग तो है नहीं। जो मरने वाले हैं वो यहां रहेंगे। और मरने वाले कौन है? यहां जितने हैं सब मरने वाले हैं, सब मरने ही मरने वाले हैं। लेकिन फिर भी निश्चिंत बैठे हुए हैं, फिर भी बड़े शांति से बैठे हुए हैं। कोई कह दे मर जाओगे, मर जाओगे, अरे मर गए क्या? कहते हैं ना, बड़ा बुरा लगता है सुन के, क्रोध आ जाता है, अरे ऐसे कैसे कह रहे हो। मरने की बात बुरी लगती है ना। कोई चार लोगों के बीच जाके कह दे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो भले ही वो कहीं भी, कोई भी मंदिर हो, कोई तीर्थ हो, कोई धाम हो, सब लोग एक बार उसकी वो देखने लगेंगे, अरे पागल हो गया क्या, कैसी बातें कर रहा है मंदिर में। ये सब होता है। क्यों? क्योंकि बोला लगता है, उन्हें लगता है कि मृत्यु की याद दिला रहा है। लेकिन वो तो सत्य कह रहा है ना, लगता है मृत्यु की याद दिला रहा है। अब भाई बोलो चाहे ना बोलो, बोलो चाहे मत बोलो, मरोगे तो सही, वहां से बच नहीं सकते। चलो हम नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता, ठीक है हम नहीं बोलते, लेकिन हमारे ना बोलने से क्या तुम्हारी रक्षा हो जाएगी? हमारे ना बोलने से क्या तुम्हारा कल्याण हो जाएगा? नहीं होता ना। खरगोश देखा है ना आपने? खरगोश होता है, जब कोई शिकारी उसे मारने के लिए जाता है तो क्या करता है खरगोश? पहले तो कहीं कोई आड़ देखता है, उसकी आड़ में छुप जाता है, और छुपने के बाद वो क्या करता है, वो आंखें मीच लेता है, आंखें बंद कर लेता है अपनी, समझता है अब मेरे को कोई नहीं देख रहा है, अब मैं बच जाऊंगा, अब मेरे को कोई नहीं देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो आंखें बंद कर लिए ना, तो खुद नहीं दिखता। जब खुद नहीं दिखता तो उसे लगता है कि किसी को मैं नहीं दिख रहा हूं। भाई आंखें तो तुमने बंद करी हैं, संसार ने तो आंखें बंद नहीं करी है ना। लेकिन विचार तो यही करते हैं कि नहीं, अब मैं थोड़े ही दिखूंगा, अब कोई मुझे नहीं देख पाएगा। ऐसे मनुष्य विचार करता है, अरे मैं इतने ऐश्वर्यवान, इतना यशस्वी, इतना शक्तिशाली, इतनी पावर मेरे पास, सारी सरकार मेरे नियंत्रण में, सारा पुलिस विभाग मेरे नियंत्रण में, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है, मेरा कोई क्या कर लेगा? भाई आंखें तुमने बंद कर रखी हैं, जागो, तुमने आंखें बंद कर रखी हैं, तुम्हें लग रहा है कि अरे नहीं मेरा कोई क्या कर लेगा, आंखें तुमने बंद कर ली हैं, तुम्हारे काल ने आंखें बंद नहीं कर ली हैं, आंखें तुम्हारे काल ने नहीं मिची है। ये देखो सूर्य भगवान है ना, ये सबको देखते हैं, और देखने का काम ये रोज करते हैं, और जो ले जाने का काम है वो इनके पुत्र करते हैं। सूर्यदेव के पुत्र कौन है? यमराज है ना, यमराज इनके पुत्र हैं, वो ले जाने का काम करते हैं। अब सूर्य भगवान देख रहे हैं, देख लेते हैं, हाँ ठीक है, कौन कौन कैसे कैसे तैयार हो गया, अब ये जाने को तैयार है, ठीक हाँ बेटा ले आओ, उनके आने का समय हो गया, बस तैयार है। लेकिन हम क्या करते हैं? निश्चिंत बैठे हैं, शरीर को भोग रहे हैं, भोगों को भोग रहे हैं, और इसी में सुख देख रहे हैं, बस कहीं से सुख मिल जाए। काल से आप छुप नहीं सकते, और जब समय आने पर, समय आएगा तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, जब आपका समय आएगा तो ये आपको छोड़ेगा नहीं। संत दास संसार में बड़ो कसाई काल, ये कसाई रूपी काल संसार में सबसे बड़ा है, राजा गिने ने बादशाह बूढ़ो
बूढ़े गिने ना बाल, ये कुछ ही को नहीं गिनता, ये तो ना बूढ़े को गिनता है ना बालक को गिनता है, ना किसी राजा को देखता है ना साधु को देखता है, ये सबको एक समान देखता है, बस सब आ जाओ, है ना, बूढ़े गिने ना बाल, ये किसी को नहीं देखता, सब एक समान है, इसके लिए सब मरने वाले हो, उसके लिए तो भाई राजा भी मरने वाला है, रंक भी मरने वाला है, बूढ़ा भी मरने वाला है, और जो बालक है वह भी मरने वाला है, जिसका समय पूरा हो गया उसको जाना है, बस यहां तो बस जब काल आ जाए तो एक ही बात कहनी है बस, हाँ ठीक चलो। लेकिन अब बचत कैसे हो, रक्षा कैसे हो, रक्षा वहां होगी जहां तुम्हारा संबंध, जब तक संसार में हो ना, जब तक संसार में हो, संसार से जुड़े हो, तब तक संसार की जो भी नियम है, नियमावली है, मृत्यु लोक से जुड़े हो तब तक भी संसार के नियम कार्य करेंगे, मृत्यु लोक से जुड़े हो, मृत्यु के भय से भयभीत भी होते हो, संसार के जो भोग हैं उन्हें भोगते हो, जब तक संसार से संबंध है तब तक संसार के जितने नियम हैं वो भी लागू होंगे, जो काल है, यमदंड है, वो भी चलेगा, लेकिन जहां इनसे संबंध विच्छेद हो गया, जहां अब हरि के हो गए, अब भगवान के हो गए, अब भगवान से संबंध हो गया, जब भगवान से संबंध हो गया फिर ये बातें ये सब लागू नहीं होती, ये निकाली मुरादेचा तस् यमा किम कुरते चर्चा, जो भगवान की चर्चा शुरू कर देते हैं, जिनके हृदय में, जिनके मन में, जिस जिनके आसपास भगवान की चर्चा होने लगती है, भगवान के नाम का कीर्तन होने लगता है, भगवान के नाम का गान होने लगता है ना, वहां जहां भगवान की चर्चा होती है वहां पर यमराज छोड़ देते हैं, वो कहते हैं बस अब ये हमारे विधान का नहीं है, अब ये हमारे विधान का नहीं है। जब भी देखिए कोई मनुष्य का अंतिम समय हो, उसका शरीर पूरा हो रहा हो, तो लोग प्रश्न करते हैं ना कि उसकी ऐसी स्थिति हो गई, ऐसी अवस्था हो गई कि अब वो बोल नहीं सकता, कंठ अवरुद्ध हो गया ना, कंठ नलिका अवरुद्ध हो जाती है उस समय, इसीलिए तो कहते हैं जन्म जन्म मुनि चेतन करा ही अंतराम कही आवत नहीं, अंत में कंठ नलिका अवरुद्ध हो जाती है, उसमें कफ भर जाता है, अब कंठ से आवाज नहीं निकल रही है, श्रवण की शक्ति शून्य हो गई, मान लीजिए कोई वयोवृद्ध है नहीं सुन सकते, श्रवण की शक्ति खत्म हो गई, आवाज निकल नहीं रही है, तो अब भी क्या भगवान का नाम लेने से, भगवान का कीर्तन करने से उन्हें लाभ होगा, क्योंकि बोल वो सकते नहीं, सुनाई उन्हें दे नहीं रहा, तो लाभ होगा, अवश्य होगा, क्योंकि क्योंकि जहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, जहां भगवान के नाम का जयकारा होता है, जहां भगवान नाम की ध्वनि होती है, वहां से यमदूत यदि आते भी हैं तो वहां से भाग जाते हैं, हो गया ना काम उसका, इसलिए जहां पर भी भगवान की चर्चा होती है वहां यमराज कहते हैं कि अब हमारा यहां पे काम नहीं है, ये भगवान के भाग के हैं, ये भगवान के हो गए, बाकी जो बचे बाकी सब यमराज के भाग के हो गए। काले भक्त सबको करे हरि शरण दर्पंत, सबको भक्षण कर लेता है, लेकिन डरता किनसे, हरि शरण, जो भगवान की शरण हो गया उनसे डरता है। नवग्रह 64 जोगिनी 52 वीर भजंत, सबको ले जाता है, कालो यमो दंड था, वो सबको ले जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। 9 ग्रह 64 जोगिनी, जितने बड़े से बड़े भयंकर वीर हैं सबको काल देश लेता है, लेकिन हरि शरणे डर पंत, जो भगवान की शरण हो गया उससे भय खाता है, नहीं ये हमसे ऊपर है, ये हमसे परे है, ये हमारे शासन में, ये हमारी सत्ता में नहीं आता, ये भगवान का हो गया, काल ले जाएगा, शेष जो बचेंगे काल लेके ही जाएगा, जाना ही पड़ेगा, कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी जा रहे हैं, और सब जा रहे हैं, कोई बचने वाला नहीं है, एक एक श्वास में कहां जा रहे हैं भैया, मौत के पास जा रहे हैं, मृत्यु के निकट जा रहे हैं, ये श्वास बढ़ नहीं रही है समय के साथ, ये श्वास घट रही है, मृत्यु के निकट आ रहे हो, प्रति श्वास प्रति पल मृत्यु तुम्हारे समीप आ रही है, तुम नहीं जाना चाहते फिर भी जाओगे, और अगर नहीं जाना चाहते तो फिर एक काम करो, भगवान को याद करो, और भगवान को याद करने का सबसे सरल सबसे सुलभ और सबके लिए जो एक समान रूप से उपलब्ध है वो एक साधन है, वो है भगवान का नाम, जो सबके लिए सुलभ है, क्योंकि बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है, सब मरने वाले हैं तुम्हारी रक्षा करेगा कौन, जो खुद कुएं में गिरा हुआ है, अब तुम उससे सोचो कि तुम उसका हाथ पकड़ के कुएं से बाहर निकल जाओ, निकल जाओगे क्या,
निकल जाओगे? नहीं निकल पाओगे। कोई कालाग्नि में जल रहा है, तुम सोचो कि उसको पकड़ के हम बाहर निकल जाएंगे, क्या निकल जाओगे क्या? नहीं। अरे वो भी मानने वाला है, तुम भी मानने वाले, वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगा? रक्षा वही कर सकता है जो अभय हो गया है, जिसको भगवान ने अभय कर दिया, बस ये मेरा है, अब कोई डर नहीं। तो बिना भगवान के कोई रक्षा करने वाला नहीं है। सुन मनि तो ही कहूँ सरोषा, भजे मोहित जी सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जी बालक राखी मैं तल। वो रक्षा करने वाले हैं। तिन ते पुणि प्रिय मोहिनी जरासा, जही गति मोर न दूसरा सा। जो उनका हो गया, जो केवल उनका हो गया, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। काट की ओट से काट बचे नहीं, काट की ओट से काट बचे नहीं। कोई लकड़ी जल रही है और उसको जलने के लिए उसके आगे लकड़ी की एक ओट लगा दो, एक आड़ बना दो कि अभी लकड़ी ना जले, तो उससे क्या होगा, वो बच जाएगी? नहीं, जो पहले बचाने आएगा उसको पहले निकलेगी। तो काट की ओट से, काट की ओट से काट बचे नहीं। आग लगे जब दोई को जारे, जब आग लग जाएगी तो दोनों को जला के भस्म कर देगी, बचाने वाला कोई नहीं है। श्याल की ओट से श्याल बचे नहीं, सिंह पड़े जब दोई को फाड़े। श्याल है ना, भेड़िया, श्याल, श्याल वैसे कहते हैं श्याल। अब श्याल को बचाने के लिए श्याल सामने आ जाए तो क्या वो बच जाएगा? जहां सिंह आएगा सामने, दोई को फाड़े, दोनों को समाप्त कर देगा, बचने वाला है क्या कोई? नहीं। आन की ओट से जीव बचे नहीं, रज्जब वेद वेद पुराण पुकारे। आन की ओट से, आन की ओट अर्थात अपना अहंकार, मैं अलमोल तोलते माया, जही बस कीने जीव निकाया। बस मैं, मेरा मेरा, ऐसा मेरा वैसा, मेरा वर्धस्व, मेरी संपत्ति, मेरी शक्ति, मैं ऐसे कर सकता हूँ, मैं वो ऐसे कर सकता हूँ। और इसके साथ में ये भी है, मेरा भजन, मेरा साधन, मेरा नाम जप, मैंने इतना किया, मैंने इतना किया, मेरा दान, मेरी दक्षिणा, मेरे सत्कर्म, मेरा पुण्य, ये भी निगलने वाला है, ये भी छोड़ने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ मैं आ गया, मेरा अहंकार आ गया, अपनी आन आ गई ना। आन की ओट से जीव बचे नहीं, आन की ओट ले आओगे, अहंकार की ओट ले आओगे कि मेरा साधन है, मेरा भजन है, मैंने किया है, मैंने इतने तीर्थों में गया, मैंने इतने तीर्थों में स्नान किया, मैंने इतने तीर्थों में सत्संग किया, जहाँ आन आ गई, अहंकार आ गया, तो आन की ओट से जीव बचे नहीं। रज्जब वेद पुराण पुकारे, वेद पुराणों का यही मत है, नहीं, अहंकार तुम्हें कभी बचा नहीं सकता, अहंकार केवल गिराएगा, अहंकार केवल गिराने का काम हो सकता है। तो भैया दूसरों की सहायता से बच नहीं सकते, क्योंकि वो बेचारे ना तो सकल जग काल कलेवा, वो तो बेचारे खुद काल के कलेवा है, काल सबको समाप्त करने वाला है, जिसको पकड़ोगे, जिसका सहारा लोगे, वो भी तो जा रहा है, वो तुम्हारे को कैसे बचाएगा? तो बचता कौन है? बचता वही है, काल डरे अणघसु भाई, तासु संत सुरत लगाई। काल उसी से डरता है जो संतों से जुड़ गया, जिसका मन संतों में लग गया, संतों में लग गया, संत कहाँ लगाते हैं? संत भगवान में लगाते हैं। जिसका मन संतों में लग गया, उसका मन भगवान में लग गया, बस वही काल से बच सकता है। और उससे जुड़ जाओगे, उससे लगन लगा लोगे, उससे संबंध जोड़ लोगे, तो तुम भी बच जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारी तरह कुएं में नहीं है, वो कुएं से बाहर है, वो चाहे तो तुम्हें खींच सकता है। अगर उसके सहारे हो जाओ कि भाई तुम कुएं से बाहर हो, तुम इस मृत्यु रूप कुएं में नहीं हो, तुम बाहर हो, तुम हमें निकाल सकते हो, तो वो निकाल सकता है। तो ऐसी से संबंध जोड़ो जो इस मृत्यु रूपी कुएं से बाहर है, वो तुम्हें बाहर निकालेगा। तामूलत पर रामदास, बार बार बलि जाए, काल डरे अड़घन सो भाई। काल उसे डरता है, उसको समक्ष नहीं आता, वो तुम्हारी रक्षा कर सकता है। भगवान कैसे हैं? भगवान किसी के पैदा हुए नहीं है, अजातु न मातु न तातु निरंकार, वो किसी के पैदा हुए नहीं है, जाति नहीं है, न माँ है न बाप, कुछ नहीं है, वो तो ऐसे हैं और वो सदा ऐसे ही रहेंगे। वो ऐसे हैं, वो सदा एक समान ही रहेंगे। वो कृपा करने वाले तो वो कृपा करने वाले ही रहेंगे, कृपा करके तो उन्हें मानव शरीर दिया है। कब हूँ कदी करुणा निर्देही देत ईश्वर नहीं संगी, कृपा करके तो उन्हें मानव शरीर दिया है ना, और कृपा करके ही, भले ही देखिए उनकी जाति नहीं है, माता पिता नहीं है, संसार नहीं है, लेकिन फिर भी
आते हैं कि किसी जाति में आते हैं तो माँ भी बनाते हैं, आते हैं तो पिता भी बनाते हैं, आते हैं तो मित्र भी बनाते हैं, आते हैं तो शत्रु भी बनाते हैं, आते हैं तो गुरु भी बनाते हैं। गुरु भी तुम तो न जाने का हो कहूँ सुभाओ नाथ पतिना, लक्ष्मण जी का वचन है कि भाई मैं तो आपको ही सब कुछ जानता हूँ ना, क्योंकि सब रूप से आप ही आते हो। वो सब रूप से दिखाते हैं कि देखो हर प्रकार से तुम मेरे साथ संबंध जोड़ सकते हो, तुम जो कुछ करो मेरे साथ करो। मैंने दुश्मन बनाया ठीक है, क्रोध करना है रोष करना है मुझसे करो, मैंने प्रेमी बनाया राग करना है प्रेम करना है मुझसे करो, बैर करो विरोध करो लोभ करो चाहे चिंता करो मुझसे करो, तुम्हारा हर कर्म मेरे लिए हो। भाई सबके अंदर भगवान ही तो है, भगवान ही तो है सबके भीतर, इसलिए सबको भगवत स्वरूप मानो, राम राम करो नाम जप करो, राम राम करो नाम जप करो, यही काम आने वाला है। सबके भीतर एक ही है, जिम घट कोट एक रवि था ही है बड़ी बात है, सबके भीतर वो एक ही है, ये है वो है, बस इतना मान लो और इतना मान के बस भगवान का भजन करो, भगवान में लग जाओ। चाहे संसार में भगवान को मानकर भजन कर लो, चाहो तो भगवान का भजन कर लो, चाहे भगवान का भजन कर लो, चाहे वो ही भगवान संसार रूप से प्रकट है ये मान के भजन कर लो, आपकी जैसी मर्जी, जैसे मैं आपको लगे कि हाँ ये भाव मेरे लिए सहज है, ये भाव मेरे लिए सरल है, उस भाव से भजन करो, लेकिन होना चाहिए बस एकमात्र भगवान, एकमात्र भगवान ही मेरे हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णुमय प्रभु विष्णुमय, बस अनेक रूपों में वही है लेकिन वो एक ही है, वो अनेक रूप से होने के बाद भी वो एक ही है। तो तत्व से सब एक है और इष्ट देव सोई मम इष्ट देव रघुवीरा सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, इष्ट देव एक राम राम कीजिए नाम जप कीजिए। और कल भी देखिए ना समझाया था आप सभी को कि भगवान के बड़ा घाटा लगा हुआ है इस समय, कौन कहाँ कितने भक्तों की आप बात सुनते हैं, कितने भक्तों का नाम सुनते हैं कि इसे भगवत दर्शन हो गया, गिने चुने इस समय संसार की आबादी करोड़ों में है, अरबों में है, अरबों में आबादी है, और भगवान के दर्शन करने वालों की जिनकी गिनती आती है अरबों में 10 लोग भी नहीं निकलेंगे जिन्हें भगवान का साक्षात्कार आज भी होता है, 10 गिनती से गिन लीजिए 10 से 12 लोग भी नहीं निकलेंगे, ऐसी भगवान के अकाल पड़ा हुआ है भक्तों का, ऐसा घोर अकाल है भगवान के यहाँ। बहुत बढ़िया अवसर है, थोड़ा सा साधन और काम सद गया, थोड़ा सा साधन हुआ और काम अपना बना ही समझिए, एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, केवल उनका भरोसा केवल उनका बल, अपने भजन का बल नहीं, हम समझते हैं ना अपना आस एक भरोसा एक बल एक आस विश्वास, इसका मतलब है कि संसार की आस नहीं करनी है, संसार का भरोसा नहीं करना है, संसार में जो हमारे नाते रिश्तेदार हैं हमारे सगे संबंधी हैं हमारे और जो हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं जो भी लोग हैं उनका सहारा नहीं करना है, ठीक है इतना कर लेंगे, लेकिन नहीं जो तुम भजन कर रहे हो उसका भी भरोसा नहीं करना है, भरोसा आशा एक राम जी से दूसरी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूर जाना, केवल उनका भरोसा, अपने भजन का भी भरोसा नहीं कि मेरा भजन है मैं अपने भजन के बल पे सारा काम कर सकता हूँ, नहीं अपने भजन का भी बल नहीं, एक भरोसा एक बल एक आश्वास, प्रभु मेरा भजन कुछ नहीं है मुझसे कुछ बनता ही नहीं है मैं क्या भजन करूं, जो कुछ नाम थोड़ा बहुत भी आता है वो केवल आपकी इच्छा से केवल आपकी कृपा से मेरी जीवा पर आता है, आप ही कृपा पूर्वक मुझे अपनी नाम लेने के योग्य बनाते हैं कि मैं थोड़ा बहुत आपका नाम जप सकता हूं, केवल आपकी कृपा से सब कुछ केवल आपकी कृपा से, ना अपने साधन का भरोसा ना अपने भजन का भरोसा ना अपने तीर्थ गमन का भरोसा ना अपने पुण्यों का भरोसा, किसी का भरोसा नहीं, केवल एक उनका भरोसा, केवल एक उनका भरोसा, बस कि बस प्रभु बस एक तुम ही हो और कोई नहीं है, सकल अंग पद विमुख नाथ मुख नाम की ओट लही है तुलसी प्रतीत एक प्रभु मोदति कृपामयी है, मुझे बस एक ही विश्वास है कि आप कृपा की मूर्ति हैं, आप कृपा करेंगे क्योंकि कृपा करना ही आपका स्वभाव है इसलिए आप कृपा करेंगे, मुझे किसी का भरोसा नहीं है, सकल अंग पद विमुख मेरे सारे अंग विमुख हैं लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि आप कृपा करेंगे क्योंकि आप कृपालु हैं, आप दीनबंधु हैं, आप दया सिंधु हैं,
बस एक भगवान का भरोसा, एक उनकी आस्था, कोई अपने भजन का भी आश्रय नहीं, अपने साधन का भी आश्रय नहीं, केवल भगवान का आश्रय पास, कि बस मेरे भगवान हैं, मैं उनका हूँ और उनकी ही कृपा से मेरा काम होगा। जो आज भजन हो रहा है, जो आज साधन हो रहा है, सब उनको समर्पित कर दो। प्रभु आपकी कृपा से हुआ, प्रभु आपकी दया से हुआ, मैं इस योग्य नहीं था, लेकिन आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझसे आज इतना नाम जप करवा लिया, आपकी बड़ी कृपा। सब कुछ भगवान के आश्रित, केवल उनके भरोसे, केवल उनका ही बल। अपने भाव को पुष्ट कीजिए, ठीक है, और आराम से राम राम कीजिए, नाम जप कीजिए। कुछ भी यदि नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कह सकते हैं, बता सकते हैं, और आज के लिए विश्राम देते हैं।